अच्छा, इस पे कोई जना कुछ कमेंट करना चाहेगा? इससे और बेटर फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? एफ एस कॉस थीटा किसी ने बोला, और कुछ? हाँ, और कोई कुछ कह रहा है? इसको तुम वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट एस लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, बस ये अलग था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में थीटा की तो बात ही नहीं आई थी। तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा स्पेशल केस है? कब तुम कहोगे कि ये पहला वाला फॉर्मूला सही है? जब थीटा की क्या वैल्यू ले लें? हाँ, यस, हाँ, इसमें एजम्पशन है कि थीटा इज जीरो। थीटा जीरो का क्या मतलब है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? थीटा जीरो कब होगा? स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में, एफ इज पैरेलल टू एस। ठीक है, एंटी पैरेलल भी नहीं, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एजम्पशन अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, जनरली ऐसा होता है कि तुमने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर ही 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इस केस में सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, जो कि 9th क्लास में तुमने पढ़ा था, दैट वॉज मोस्ट सिंपल, सिंपल मोस्ट, बट इसमें एजम्पशन था कि थीटा जीरो है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एफ डॉट एस भी सबसे जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो कोई बता सकता है कि क्यों नहीं है? यानी कि इसमें क्या एजम्पशन है? इसमें भी एक एजम्पशन है, दिस इज नॉट द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। कोई बता सकता है? कृतिका, एफ डॉट एस में क्या एजम्पशन है? इसमें तो थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा के बारे में तो कोई एजम्पशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन है, थीटा के बारे में नहीं है। थीटा ये हर थीटा के लिए वैलिड है। वेरी गुड विवेक, फोर्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, विवेक ने लिख के बताया कि यहाँ पे एजम्पशन है कि एफ कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और ज़्यादा मैं अप्रोप्रिएट बोलूँ तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में एस क्या चीज़ है? ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उस पोजीशन के साथ फोर्स नहीं चेंज हो रहा, यानी कि फोर्स हर मूवमेंट एट एवरी पोजीशन सेम है। अगर ड्यूरिंग दिस मोशन फोर्स भी चेंज हो जाए, यूजुअली होता है चेंज। ठीक है, अगर मैं मोस्ट जनरल बात करूँ तो फोर्स चेंज होता है। ठीक है, जैसे हम अगर मान लो बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, अगर 9th क्लास में तुम्हें याद हो M1 M2 वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जी M1 M2 अपॉन R2, तो फोर्स तो R पे डिपेंड कर रहा है, तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। बहुत सारे फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, हाँ, लेकिन अगर तुम MG लिख रहे हो तो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। बट ये फॉर्मूला बस तभी वैलिड है जब तुम अर्थ सरफेस के बहुत पास में हो। ठीक है, अर्थ सरफेस के बहुत पास में हो, जहाँ पे जी का वेरिएशन हम निग्लेक्ट कर सकते हो, तब तो ठीक है। बट स्मॉल जी का वेरिएशन अगर हो रहा है तो फिर हमें ये जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो फोर्स डिपेंड कर सकता है पोजीशन पर, तब क्या करना होगा? तब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे कि हम तब लिखेंगे कि फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, अगर 1 डायमेंशन है तो डी एक्स, और 3 डायमेंशन है तो डी एक्स के बजाय हम क्या करेंगे? डी आर। तुम लोगों को 3 डायमेंशनल मोशन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है तो डी आर कैप लिख, डी आर वैक्टर लिखो। अगर इस 1 डायमेंशन है तो फिर एक्स वाई में से कोई भी यहाँ पे डी एक्स डी वाई कुछ लिख सकते हो। तो मैं मोस्ट जनरल लिख रहा हूँ, डी डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। डी डब्ल्यू के ऊपर वैक्टर नहीं लगाया क्योंकि वर्क डन तो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट होगा वो स्केलर ही होगा। और जब हमें इस ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पता लग जाएगा तो फिर वर्क डन इन जनरल क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके मिलेगा। ठीक है, एफ डॉट डी आर, और यहाँ पर लिमिट क्या होगी? तो R इनिशियल, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये लिमिट हो गई हमारी इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर लिखा है वो RF। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें देखने में तो बड़ा डरावना लग रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन का आज तक कभी ऐसा इंटीग्रेशन किया नहीं जिसमें कि लिमिट वेक्टर के फॉर्म में हो। तो एक्चुअली हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, इसको हम करेंगे ऐसे कि F, F तुम्हारा ऐसा होगा, क्या होगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डी आर कैसा है? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप।
डी जेड के कैप, और एफ डॉट डी आर लिखोगे तो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा। सबको डॉट प्रोडक्ट पता है ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, एफ जेड डी जेड, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा एक्चुअलिटी में, एफ एक्स डी एक्स अलग से होगा, एफ वाई डी वाई अलग से होगा, एफ जेड डी जेड अलग से होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हाँ ये कंप्लीट हो गया। और जब तुम x वाला इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहां पर x की लिमिट लग जाएंगी x1 से लेके x2 तक, y में y1 से y2 तक लग जाएगा, z में z1 से z2 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये मैं इंटीग्रेटिव dw, देखो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन था, जब तुम्हें लार्ज डिस्प्लेसमेंट में चाहिए वर्क डन तो छोटे छोटे सब ऐड करोगे। ठीक है, और एडिशन कंटिन्यूअस अगर हो तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम छोटे छोटे एरिया को ऐड करके टोटल एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल एरिया इंटीग्रेशन से मिलता है वैसे। चलो अच्छा, अब ये किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इसका डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे बस मेरा भी एम है कि मुझे उतना कराना है। ठीक है, अभी जनरल कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी तो मैंने इतना लिखवा दिया, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एग्जाम के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, इफ फोर्स इज इक्वल टू 3xi cap, फाइंड वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू x इज इक्वल टू 5 meter, दिस इज इन न्यूटन। क्या करना है, फोर्स कैसा है, कॉन्स्टेंट है वेरिएबल है, एज फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हम कह रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, कोई चीज टाइम पे डिपेंड करे, पोजीशन पे डिपेंड करे तो वेरिएबल होती है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू यूज करना पड़ेगा, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, f x डायरेक्शन में है, dx भी हमारा x डायरेक्शन में, तो मैं सिंपली इनटू लिख रहा हूँ, यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉट का मतलब कि ऊपर मैं वेक्टर लगाता। ठीक है, यहाँ ये जो डॉट है ये वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है दो स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, क्योंकि f भी x डायरेक्शन में है, dx भी x डायरेक्शन में, तो जो दो पैरेलल डायरेक्शन वेक्टर हो तो उनमें डॉट करने में a डॉट b अगर सपोज लिख भी रहे हो तो ए बी कॉस जीरो विच इज सिंपली ए इंटू बी, तो मैंने सिंपली a इंटू b लिखा है विदाउट वेक्टर साइन, विदाउट उनके बीच में जो डॉट दिख रहा है, बट वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है वेक्टर वाला। ठीक है, अब f को क्या करें, 3x लिख दें, dx इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगा दें, तो ओरिजिन से स्टार्ट करना है 5 मीटर तक जाना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट लगा दी 0 टू 5, क्या हो गया 3 इंटू 25 बाई टू हो गया, माइनस 0 तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो 75 बाई टू आंसर हो गया जूल। हो पाया, सबको समझ में आया? अब जरा लौट के आते हैं एक चीज पर, जोर से बोलो सर, ये एक डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ, एक देखो मैंने तुम्हें उसका फोर्स का क्या दिया है, ये देखो एक तो फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा मैंने दिया है ओरिजिन से 5 मीटर एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ओरिजिन से x इक्वल टू 5 वो एक्सिस पे चला है, कि इस फॉर्मूले में इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, इम्पोर्टेंट नंबर 1, W क्या है, वर्क डन बाई फोर्स F, वर्क डन हमेशा आइडेंटिफाई करोगे किसी फोर्स से रिलेट करके। ठीक है, तो जिस फोर्स की वैल्यू तुमने यहाँ पे ली है उस फोर्स का ये वर्क डन है। ठीक है, दूसरा एफ तो पता ही है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरा एस क्या चीज़ है,
एस और डी आर जो नीचे वाले में लिखा है इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें दो चार बातें यहाँ पे बता दूँ। तुम एनसीईआरटी देखोगे, एसएल वर्मा देखोगे, प्रदीप देखोगे या एचसी वर्मा भी देखोगे, थ्योरी में ये पॉइंट कहीं मिलेगा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन एचसी वर्मा में एक पीछे वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ पर इस बात से फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें ये चीज़ चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये मैंने शायद रजनी खालडे या कहीं पे पढ़ा होगा ये चीज़, अभी मुझे एग्जैक्टली सोर्स नहीं याद, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मुझे एक बुक में ये मिला स्टेटमेंट। कहाँ मिला मुझे? जो आईएससी बोर्ड है, मैं उनकी 10th क्लास के बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा रहा था, उस बुक में मुझे ये चीज़ लिखी हुई मिली, जो मुझे केवल रजनी खालडे में या जेई में एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एचसी वर्मा में भी थ्योरी में नहीं दिया हुआ है चीज़, लेकिन ये मुझे तब पता लगा, मतलब तब मुझे जब मैंने क्वेश्चन ये एडवांस में देखा तो फिर मैंने ढूंढा बुक्स में, फिर मैंने अच्छी बुक्स में रेफ़र किया। ठीक है, लेकिन ठीक है मिल गया वहाँ पे, लेकिन अधिकतर बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब 10th क्लास की बुक में देखा तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि इस बुक में दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो। हाँ। किस पर, किसके पर्सपेक्टिव से? जो मोशन में है तो वो कांटेक्ट में नहीं है तो उस पे फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ किसका? चलो अभी बात करते हैं, अभी सोचो लेफ्ट वाला, लेफ्ट जो फीट है वो हवा में है और राइट वाला पैर जमीन पे रखा हुआ है, अब बताओ। हाँ नहीं तो हम पर्सपेक्टिव किसका देखेंगे? जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट वक्डनम दोनों रेफरेंस फ्रेम में देख, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है वक्डन, तो हम किसी भी रेफरेंस फ्रेम में देख सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा तो तुम ऐसे तो तुम लेफ्ट लेग को छोड़ दो, तुम किसी और रेफरेंस फ्रेम को ले लो। ठीक है, हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, हम बस ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, नॉर्मल हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। अब एक सपोज एक बगल में एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी लिफ्ट मूव कर रही है, तो उसको अपने रेफरेंस फ्रेम में मैं मूव करता हुआ दिख रहा हूँ, मुझे उसको लग रहा है कि मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके रेफरेंस फ्रेम में वर्क डन हो गया मेरे उस नॉर्मल रिएक्शन का, तो उसका कोई फिजिकल मीनिंग थोड़ी है। ठीक है, ऐसे कोई भी मूविंग रेफरेंस फ्रेम में तुमको दूसरा जो फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो उसका वर्क डन दिख सकता है, क्योंकि वर्क डन तो फोर्स डिपेंडेंट होता है, सॉरी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे फिर उस वो चीज हमारे लिए फिजिकली मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर पर्सन ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए वर्क कौन कर रहा है? तो वहाँ पे आंसर है कि मस्कुलर फोर्सेज हैं जो वर्क कर रहे हैं, और मस्कुलर फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हैं तो वो एक्सेलरेशन नहीं दे सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स से ही आएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरा वो सीरो फोर्स वाला वीडियो देखा हो, सीरो फोर्स में था नहीं रिएक्शन जिसमें मैंने वो जंपिंग गर्ल वाला वीडियो दिया है, तो उस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा है कि वहाँ पर उस एनर्जी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, चलो अभी मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी आगे हमें बढ़ना है, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो हमें वर्कडन का एक तो ये समझ में आया, दूसरा वर्कडन का क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड वर्कडन बाय फोर्स F इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इफ बॉडी
displaces from r1 equal to I cap j cap plus 2k cap to r2 is equals to ऐसे दिया हुआ है। ये काम पहले तुम लोग कर चुके हो वेक्टर में, लेकिन मैं अभी भूल गए होगे इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। वर्क डन क्या होता है, f डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। r2 क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, माइनस 1 यानी i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सब लोगों समझ में आ रहा है, 3i माइनस आई 2i माइनस 2j माइनस j माइनस 3k k माइनस 2 सॉरी यहाँ पे j माइनस k। समझ में आ रहा है, ये काम सब लोग कर चुके हैं इसलिए ये हो गया। अब तुम f डॉट s कर रहे हो। f क्या है, 3i कैप माइनस 2j प्लस 4k डॉट 2i माइनस 3j माइनस k, डॉट करोगे 6 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4 हो गया, माइनस 4 जूल आ गया आंसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब आगे बढ़ा जाए, बोलो सब लोग ओके हैं, किसी को कुछ पूछना है, नो? चलो ऋतिकेश समझ में आ रहा होगा, रीमा नित्या ओके। चलो ये हो गया हमारा वर्क डन का कैलकुलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक मिनट जरा, एनर्जी तो हम लोगों को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, या चलो अभी हम एनर्जी थ्योरम, ठीक है, इसके बाद करेंगे। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इफ या एक मिनट, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द गिवन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसको, हो गया। अच्छा प्रीवियस पेज, एक चीज रह गई मुझे, एक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले जरा एक टॉपिक रह गया कि वर्क डन कैलकुलेशन का कई बार ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन से ग्राफ में हमें वर्क डन मिलेगा वो लिख लो, ठीक है। वर्क डन बाय ग्राफ, कोई बता सकता है कौन सा ग्राफ, वाई एक्सिस पे कौन, एक्स एक्सिस पे कौन, यस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा करेंगे, ठीक है, थ्री डायमेंशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। sir, हाँ बोलो सर, आप पिछला वाला पेज दिखा दोगे सर, लाइट चली गई थी। अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो
हाँ तो वर्क डन नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। अभी अभी मैं उस वाले पर आऊँगा, वर्क एनर्जी थेरा में भी आऊँगा। हाँ तो यहाँ पे तुम्हें वर्क डन बाई ग्राफ में क्या करना है, एफ वर्सेस एक्स जो भी ग्राफ बनेगा उसमें तुम्हें एरिया इक्वल टू, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग को आ रही है मेरी आवाज? अच्छा अच्छा चाहिए, हाँ अच्छा आवाज आ रही है। हाँ ओके, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि हमें एरिया ऑफ दी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एफ वर्सेस एस ग्राफ, उससे वर्क डन हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, ठीक है, लिख लो इसको। एंड दिस एरिया अगर मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखूं तो ये इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डॉट डी एस, एक मिनट डॉट अभी हटा दो, यहां पे हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं ये, इनफैक्ट तुम डीएस की जगह डीएक्स लिखो क्योंकि हम ये अभी सिंगल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी एस हैं उनको एक्स कर लो क्योंकि डिस्प्ले एस थोड़ा सा जनरल चीज आती है, जनरल मतलब एक्स और वाई और जेड सभी तरफ हो जाएगा, तो हम अभी सिंगल वन डायमेंशन में, क्योंकि ग्राफ में तुम 3D में बात नहीं कर पाओगे, ठीक है, ग्राफ में हमें सिंगल डायरेक्शन में ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन में अच्छा ये, अगर मान लो ग्राफ हमारा कुछ पार्ट उसका अबव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कुछ पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है, तो जो पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, नीचे वाले में निगेटिव होगा, ठीक है। और निगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है, एफ डॉट एस में फोर्स जिस डायरेक्शन में है, एस डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर निगेटिव वर्क डन है तो उसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन अगर हम ले लें, एक मैं एक क्वेश्चन जरा दे देता हूँ यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल सॉरी ये वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं इसको एरिया A1 बोल देता हूँ, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है, तो इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 2 into 2, A2 क्या हो जाएगा हाफ 2 प्लस 4 into 2, A3 क्या हो जाएगा हाफ 4 प्लस 3 into 1, A4 क्या हो जाएगा 2 into 3, ठीक है, 4 ये क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया 7/2 3.5 हो गया, ये 6 हो गया, इनको ऐड कर लिया तो 19.5 ये आया था, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, एक्स एक्सिस हमारा पोजीशन है, तो एरिया से हमारा वक्त निकल जाएगा। हाँ एरिया से वक्त निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, अगर ग्राफ नीचे चला जाए एक्स एक्सिस के तो वहां पे एरिया नेगेटिव लेकर के ऐड करोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बस ये ग्राफ वाला रह गया था, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो कि हमारा क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये अभी कोई कह रहा था कि ये लिखना है तो इसको लिख लो, और पहले इसको फील करते हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सपोज ये स्मूथ है, जीरो फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वहां पे रखा हुआ है, ठीक है, 10 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया है, इसको तुमने फोर्स लगा करके इसको 1 मीटर मूव करा दिया, अब ये यहाँ पर आ गया,
ठीक है, तो इस 1 मीटर के मोशन में कंटिन्यूस फोर्स लगाया है, तो फोर्स ने वर्क किया, कितना किया, 10 जूल का वर्क किया। कोई और फोर्स इस पर लग रहा है क्या? वर्टिकल mg और n तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पर 10 न्यूटन का लग रहा है हॉरिजॉन्टली, और उस फोर्स ने 10 जूल का वर्क किया। तो ये वर्क तुम्हें उसके किस फॉर्म में, किस एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा? काइनेटिक एनर्जी, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन जो फोर्स निकल के आया, काइनेटिक फ्रिक्शन में फिक्स फ्रिक्शन होगा, तो मान लो कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 3 न्यूटन का। ठीक है, तो फ्रिक्शन ने कैसा वर्क किया होगा? इसको मैं एफ नॉट बोल दे रहा हूँ, तो वर्क डन बाई फोर्स एफ नॉट एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा बताओ, पहले तो पता करो फ्रिक्शन किधर होगा। फ्रिक्शन अपोजिट होगा मोशन के, रिलेटिव मोशन के। ठीक है, तो अब बताओ वर्क डन कितना होगा बाय फ्रिक्शन, 3 न्यूटन 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, -3। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, -3 जूल। ठीक है, चलो जूल हटाए देते हैं, वो 5 जैसा लग रहा है, चलो तो -3। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई होगी, पहले केस में जब फ्रिक्शन नहीं था तब तुमने बताया 10 जूल इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी, अब कितनी इंक्रीज हुई? अब 7 जूल हुई, क्योंकि कुछ पार्ट फ्रिक्शन में लॉस हो गया। फ्रिक्शन में जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है, हीट, साउंड, ठीक है, लाइट, अगर सपोज वहां पे स्पार्क हो रहा है तो लाइट। तो 7 जूल का उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक। अच्छा, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट 3 न्यूटन है वेट, उस पर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, तो बताओ कि 1 मीटर ऊपर जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? अगेन 7 जूल, क्योंकि यहां पर दो तरह के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इसको भी एफ नॉट बोल दो, तो एक एफ नॉट का वर्क डन और दूसरा वेट का वर्क डन, ठीक है, और एफ नॉट का वर्क डन अगेन 10 जूल हो गया और वेट का -3 जूल हो गया, दैट इज 7 जूल। ये बात समझ में आ गई? तो जो भी फोर्स लग रहे हैं उनके वर्क डन निकाल लो और विद प्रॉपर साइन निकाल लो, उनको ऐड करके तुम्हें मिल जाएगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इतना, किसी को और कुछ पूछना है इसमें? सर आप एक बार फर्स्ट वाले एग्जांपल को फर्स्ट वाला तो बहुत इजी था, 10 न्यूटन का हमने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, 10 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया +10, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अगर 180 डिग्री का एंगल होता है तो cos 180 -1 हो जाता है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल बी -3 जूल, ठीक है, 3 × 1 × cos 180। लिख के बताऊं ये चीज समझ में आ गई, 3 × 1 × cos 180, दैट इज -3 जूल, ठीक है। तो वर्क डन, अब वर्क डन हमें बाय ऑल द फोर्सेस लिखना है, तो +10 हो गया इसका वर्क डन, -3 हो गया इसका वर्क डन, टोटल हो गया 7 जूल। तो हमने ये जो थ्योरी अभी पढ़ी, ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी है, उसके हिसाब से टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो किसी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 7 जूल हो गई। अगर इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज 100 जूल होती, तो 100 में 7 ऐड कर दो, 100 7 जूल हो गई, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने 10 − 3 = 7 लिखा है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 10 = 3 + 7, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी भी तो इक्वल लिखा है। पहले मैंने 10 को क्या बोला था, 10 को बोला था कि वर्क डन बाई एफ नॉट है, तो मैं यहां पर भी 10 को वर्क डन बाई एफ नॉट ही बोल रहा हूं। 3 जो है वो वर्क डन बाई द वेट था, अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, अब मैं 3 को कह रहा हूं कि ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटी है ना, वेट, वेट मतलब फोर्स बाई ग्रेविटी,
फोर्स बाय ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई, तो मैं अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर उठा रहा हूँ तो दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं इस थ्री को अब नाम चेंज कर दे रहा हूँ, बस नाम उसकी आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ, बात वही है। तो ये क्या चीज़ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस थ्री था तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस थ्री है। एंड सेवन तो वही चीज है, सेवन क्या है, सेवन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस सिचुएशन को जो मैंने भी वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले बताई थी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया था, वर्क डन बाय एफ नॉट, ये दो पार्ट में चला गया। एक हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उस दूसरा पार्ट चला गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ फील हुआ? पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड नहीं बोला था, पहले मैंने बोला था वर्क डन बाय एफ नॉट एंड वर्क डन बाय वेट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है। लेकिन अब मैं वर्क डन बाय वेट का नाम मैंने चेंज कर दिया, वर्क डन बाय वेट को मैंने क्या बोल दिया, उस चीज को मैं राइट साइड में ले जा करके मैंने उसको बोल दिया कि ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात समझ में आ गई? हाँ, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये कैसे आया? देखो, मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, जी लिख देता हूँ बस, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे रीअरेंज किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जो है दो पार्ट में चला गया, एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में और एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी को डेल्टा यू से रिप्लेस किया, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। दैट इज डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी है। मैंने डिफाइन किया है, मैंने डेल्टा यू को डिफाइन किया है, ठीक है। मैंने जो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी था उसको एक नया नाम दिया कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है। हमारे पिछले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव आया था, यहां देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, बताओ? नेगेटिव था। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी कि कम हुई थी ऊपर जाने में? बढ़ी थी, ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो बढ़ गई थी। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। प्रीवियस मतलब ये एक्चुअली प्रीवियस ये है, ठीक है, ये नेक्स्ट है। एक मैं नंबर ले करके और जरा इसको डिफाइन कर देता हूं अगर मुश्किल लग रहा है समझने में तो। एक ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को
तुम ऊपर उठा रहे हो 1 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ कि इसको ऊपर उठाने में 1 मीटर ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस माइनस साइन के साथ बताना। जी की वैल्यू 10 ले लो, माइनस 10 जूल, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फॉर्मूला MgH लेकर के वैल्यू पुट करके बता दो। ऊपर ले जा रहे हो तो तुम्हें ये तो पता है ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ऊंचाई पर, तो M की वैल्यू डाल दो 1, G की 10, H की 1, क्या हो गया प्लस 10 जूल आ गया। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर मैं जो अभी बता रहा था वो तुम्हें सामने दिख गया कि अगर ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव 10 जूल है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में 10 जूल का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करती है तो इंक्रीज होता है, और जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करेगी बॉल को नीचे खींच के लाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता है, लॉस होता है। बताओ सबको आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा हम लोग थोड़ा सा अब वापस आते हैं लाइन पर। हम कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको तुम लोग इंटीग्रेशन से करना चाहोगे कि बिना इंटीग्रेशन के? चलो दोनों से करा देते हैं, विदाउट इंटीग्रेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। विदाउट इंटीग्रेशन में हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एजम्पशन क्या होगा, एफ इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि एफ वेरिएबल हो गया तब तो हमें फिर इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। कैसे करते हैं डेरिवेशन, तो सपोज एक बॉडी है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज गेंस, या चेंजेस, गेंस है तो थोड़ा सा लगता है कि इंक्रीज के लिए हम लिख रहे हैं, तो चेंजेस, चेंजेस थोड़ा जनरल वर्ड है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम u टू v अंडर द, सर आपकी वॉइस में थोड़ा ब्रेक हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ, तो तुम्हें लिखता हुआ लिखा हुआ दिख रहा है तो ओके। फोर्स f, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स f, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यस एफ बाई एम, यस, ठीक है। अच्छा अब यू और वी में क्या रिलेशन आएगा, एक सेकेंड, यहां पे अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, इसके आगे एक चीज और लिख लो, अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एंड इट हैज डिस्प्लेस्ड एस यूनिट, डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिया हमने एस, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी यू से वी हुई तो उस टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। तो तुम v, u और s को रिलेट कर सकते हो, फिर से बोलो। ठीक है, मास एक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टूड होता है कॉन्स्टेंट है, f तो यूजुअली वेरिएबल होता है, बट यू आर राइट, अगर हम वेरिएबल मास की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें फिर इस तरह से हम नहीं कर सकते फिर, ठीक है, वो भी है मास भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एफ अपॉन एम हो गया, फिर
इस ए को हम वेलोसिटी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस, लिख सकते हैं कि नहीं? चाहो तो इसको यहाँ इस स्टेप में ना लिखो, हम अलग से लिख दे रहे हैं। ऑल्सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ए की वैल्यू डाल देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टू इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस। अच्छा तुम लोग देखो इम्प्लाइज और इक्वल टू का बहुत मिसयूज करते हो, यहाँ देखो मैंने इम्प्लाई लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाला स्टेटमेंट इम्प्लाई हो रहा है, ठीक है? क्योंकि क्या किया हमने, ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है? आगे लिख दो, लिख भी दो, ठीक है? इक्वेशन वन, ठीक है, क्या किया हमने, पुट ए फ्रॉम वन इंटू टू, ये किया है यहाँ पर, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, f इंटू एस को तो लिख दो वर्क डन, m और 2 को उधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो 2 को ले गए तो वो नीचे आ गया, m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो v में ऐसे हो गया, ठीक है? और यहाँ पर f इंटू एस रह गया, और f इंटू एस क्या है, वर्क डन है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता लग गया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा k, प्रूव हो गया। बताओ समझ में आया? ये m और ये 2 जब उधर गया तो ये ऊपर जाके m बाई टू हो गया, m बाई टू v स्क्वायर में मल्टीप्लाई, m बाई टू u स्क्वायर में मल्टीप्लाई, और इधर रह गया f इंटू एस, और f इंटू एस को क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। ठीक है तो डेरिवेशन हो गया, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इज एवरीवन ओके? कुछ पूछना है, कोई स्टेप दिक्कत हो तो? नो सर, इजी। अच्छा ये एग्जाम टाइम में भूल तो नहीं जाओगे कि कौन सा स्टेप कैसे किया? तो मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे तो डरने बहुत ज़्यादा डर लगता था भूलने से, ठीक है? तो क्या करना है इसमें, तुमको अगर स्टेटमेंट याद है तो तुम बैक वर्क कर सकते हो। W सोचो क्या है, F इंटू एस है, ठीक है? रफ में ये काम कर लोगे उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे दिखाना है। डेल्टा के क्या है, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर करो चीज़ों को, टू नीचे से इधर ले जाओ, ठीक है? नीचे m ले आओगे, इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे देख करके याद आ जाएगा कि नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये f अपॉन m क्या है, a है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से तुम्हें जो चीज़ प्रूव करनी है उसको लिख लो तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक? चलो तो ये रफ वर्क था, अगर तुम्हें स्टेटमेंट याद है तो तुम डेरिवेशन के लिए हिंट ले सकते हो यहाँ से। अच्छा अब हम आते हैं मेथड टू, जिसमें कि हम एजम्पशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है? इफ जनरल है, इफ एफ इज वेरिएबल, वहाँ पर भी ये ट्रू होता है। तो वेरिएबल हो तो क्या करना है, तो तुम क्या लिखते हो बताओ, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है? ए को मैं क्या कर रहा हूँ, ए को लिख देता हूँ dv by dt, और dv by dt को हमने पहले कई बार ये ट्रिक लगाई है कि dv by ds कर दें, और ds by dt इसको बोलते हैं चैन रूल, ठीक है? एंड ds by dt क्या होगा, पुट ds by dt v, ठीक है? तो हमारा f इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी डी वी बाई डी एस आ गया, ठीक है? अब हम जरा आते हैं अपने वर्क डन पर। वर्क डन क्या होता है, f डॉट वर्क डन, हम अभी देखो फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हम f डॉट s नहीं ले सकते हैं, तो हमें वर्क डन क्या करना है, f इंटू डी एस लेना है, ठीक है? f हमने निकाल रखा है, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है?
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एम वी डी वी बाई डी एस इंटू डी एस, ठीक है। एम वी डी वी ठीक। इसमें लिमिट क्या है, लिमिट है सॉरी लिमिट किसके टर्म्स में लिखी जाती है, जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो u से लेकर के v तक कर देते हैं। m कॉमन ले लो, m कोई कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, v का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई टू होगा। लिमिट क्या रखनी है, लिमिट रखनी है u से लेकर के v तक। तो वर्क डन क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्रूव हो गया। इंटीग्रेशन वाले में कुछ पूछना है, तो जो राइट हैंड साइड में हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टू वो एम वी स्क्वायर होगा ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अरे हाँ हाँ मैंने वो दो बार लिख दिया टू, यस गुड। यहाँ पे ये वाला टू मैं हटा रहा हूँ, सबने देख लिया क्या हटाया मैंने, मैंने यहाँ पर हटाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। पहले डेफिनेशन पता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्लास नाइन्थ में पढ़ी होगी, द एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ, कुछ याद है नहीं याद है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है, नाइन्थ क्लास वाली डेफिनेशन है, बट उस डेफिनेशन से कुछ काम नहीं चलता, उससे तुम्हें वैल्यू नहीं पता लगेगी, ठीक है, उससे कोई फॉर्मूला या कोई रिलेशन नहीं मिल रहा कि उसमें वैल्यू पुट करके तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स से जो उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम सिचुएशन क्या लिख रहे हैं, लेट अ फोर्स एफ इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 to V, लिखो ठीक है, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, देन टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, जिसमें कि के इनिशियल को तुम जीरो रख दोगे, ठीक है, के इनिशियल क्योंकि इनिशियल स्पीड जीरो है, अच्छा ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, सब लोगों को समझ में आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू
तुम लोगों को बिल्कुल कॉपी लगेगा जो मैंने पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ मैं। डी डब्ल्यू को क्या लिखें, जनरल काम कर रहे हैं, एफ इंटू डी एस, ठीक है। आगे एफ को क्या लिखें, एम इंटू ए, ए को क्या लिखें, डी वी बाई डी टी, ठीक है। एम डी वी इधर कर देते हैं, इसको डी एस बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, डी वी को पीछे लिख दिया, डी एस को पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग वर्क डन अभी लिख रहे हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू, इसके आगे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैं इम्प्लाइज ही लिख रहा हूँ कि नीचे से ऊपर जाके शिफ्ट हो गया तो मुझे अलग से डब्ल्यू लिखना पड़ गया। तो एम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, और डी एस बाई डी टी वी हो गया वी डी वी, ठीक है। और इसमें लिमिट जीरो से वी, वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दोगे जीरो टू वी, क्या हो जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये वर्क डन क्या है, ये हमारा के फाइनल माइनस के इनिशियल है, और इनिशियली उसकी स्पीड जीरो थी, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, जो फाइनल हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। के फाइनल को हम सिंबल के दे देते हैं कि हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज के, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, अब देखो ये पिछले वाले डेरिवेशन में जो था वही तो किया है हमने, बस क्या चेंज कर दिया है, बस हमने लोअर लिमिट जीरो रख दिया है। अगर लोअर लिमिट जीरो नहीं होती, यहाँ पे u लिखा होता या v लिखा होता, तो हम यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिख रहे होते, और यहाँ पे इधर वर्क डन था, और इसको मैं लिख देता कि ये k फाइनल माइनस k इनिशियल, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा k, ठीक है। तो बस लास्ट स्टेप में जरा सा मॉडिफिकेशन करके ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ u टू v लिखा होता तो w इज इक्वल्स टू डेल्टा किया जाता, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, और 0 टू v लिख दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, उसको मैंने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए डेरिवेशन करना चाहूँ तो क्या होगा, बिल्कुल वही मैं अभी पीछे ले जा रहा हूँ तुम्हें वर्क एनर्जी वाले में, और वहां दिखा रहा हूँ। ये हमारा कांस्टेंट फोर्स का डेरिवेशन है, यहाँ पे अगर मैं इधर u की जगह 0 रख दूँ, मैं कह दूँ कि मेरा जो पार्टिकल था वो 0 से v एनर्जी गेन, वो वेलोसिटी गेन किया है, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, इधर से m बाई टू यहाँ आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन को बोल दिया कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा अभी जरा एक मिनट, कुछ समझ में आया, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं इस W को बोल दूंगा कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये वर्क डन हमारा जो K फाइनल माइनस K इनिशियल जीरो कर दिया, और यहाँ ये जीरो हो गया है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन विच इज K फाइनल, तो K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव हो गया। सब कुछ वही, बिल्कुल वही वैसा का वैसा करके, बस U को जीरो रख दोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ही डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बन जाता है। तो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, और 6 kg ब्लॉक, मास 6 kg है, इंक्लाइंड रफ सरफेस, फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है पहला पार्ट, तो तुम्हें फ्रिक्शन कौन सा लगाना होगा, स्टैटिक। किस डायरेक्शन में लगाना होगा, अपवर्ड्स। ओके, अपवर्ड लगा रहे हो, इसका मतलब तुम सोच रहे हो कि इसकी स्लिपिंग की डायरेक्शन नीचे की तरफ इंक्लिनेशन है, या क्या हमने लिखा था, टेंडेंसी है, टेंडेंसी स्लिप नीचे करने की है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने फोर्स इतना ज़्यादा लगा दिया है एफ कि इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की ऊपर की तरफ हो जाए और फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यानी फोर्स की एक मिनिमम, कैपिटल एफ की एक मिनिमम से एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसमें कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो तुम्हारे, तुमने पहला, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा, हमें निकालना है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, और जब एफ मिनिमम निकालना होगा तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा होगा, और इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, एन, ठीक है। और वाई डायरेक्शन यानी एन की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ गया, ठीक।
अब हमें एफ मिनिमम निकालना है, तो एफ मिनिमम प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से एफ मिनिमम मिलेगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा। बोलो ये जो सामने लिखा है समझ में आ रहा है, एफ मिनिमम के लिए हमें फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए होगा जो कि अपनी लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो म्यू एम जी कॉस थीटा डाल दिया हमने, इतना तो मिनिमम फोर्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो बोला कि बस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, ये तो बोला नहीं कि मिनिमम फोर्स वो बताओ जिससे स्टेशनरी रखना है, तो इस मिनिमम से लेकर के अब मान लो इस फोर्स को मैं मिनिमम से बढ़ा दे रहा हूँ, अगर एफ मिनिमम को बढ़ाऊंगा तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो अपने आप को एडजस्ट करके रिड्यूस कर लेगा। मान लो एफ मिनिमम हमने 50 न्यूटन यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 50 न्यूटन, और जिस समय ये 50 न्यूटन है उस समय ये वैल्यू है 10 न्यूटन सपोज, ठीक है, फ्रिक्शन की यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में 10 न्यूटन सपोज मिल रही है, तो 50 ये है ये 10 है, अगर मैं मान लो 50 से बढ़ा के 55 कर देता हूँ तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी रह जाएगी, एक मिनट रुको जरा सा, अभी मान लो ये सिचुएशन है, फ्रिक्शन हमारी 10 है और एफ मिनिमम 50 लग रहा है, ये बताओ एम जी साइन थीटा कितना रहा होगा, अगर 50 प्लस 10 एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है तो एम जी साइन थीटा 60 रहा होगा, ठीक है, और एम जी साइन थीटा तो चेंज होना नहीं है, तुम फोर्स को चेंज कर रहे हो, एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको चेंज कर रहे हो, बट एम जी साइन थीटा चेंज नहीं होगा, वो तो 60 रहेगा, तो अगर मैंने फोर्स को यहाँ पर बढ़ा करके 50 की जगह पे कर दिया 52, तो फ्रिक्शन कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग, वो उतना ही लगता है जितने से वो रिलेटिव मोशन को रोक सके, ठीक, तो एफ हमने, अब मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मिनिमम नहीं है, अब एफ 52 अगर लगाया तो फ्रिक्शन 8 होकर के एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, 50 से और बढ़ा दिया 53 कर दिया 7 हो गया, ठीक है, 53 से ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने अगर 60 कर दिया तो क्या होगा, एफ को मैंने 60 कर दिया फ्रिक्शन 0 हो गया, रफ सरफेस होते हुए भी फ्रिक्शन 0 हो गया सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, अब मैंने अगर इधर 61 कर दिया तब बताओ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स को 61 कर दिया तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, नो काइनेटिक नहीं होगा, फ्रिक्शन अभी अपनी रेंज के बाहर नहीं गया है, काइनेटिक तब होगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू 10 जो हमने एक रैंडमली चूज किया 10 नंबर 10 न्यूटन से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए, यहाँ तो एफ अभी 0 है, अभी तो एफ अपने को एडजस्ट करके 10 न्यूटन तक ले जा सकता है, यहाँ तो बस 1 का ही डिफरेंस है 61 और 60 में, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना चाहिए, 61 और 60 को बैलेंस करने के लिए हमें 1 का ही तो डिफरेंस को फिल करना है, तो यस फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलट जाएगा, अब फ्रिक्शन डाउनवर्ड 1 न्यूटन लग जाएगा, अब मैंने और बढ़ाया 62 किया तो ये 2 हो गया, 63 किया तो ये 3 हो गया, कहाँ तक जा सकता है ये 10 तक जा सकता है, यानी कि एफ की कितनी वैल्यू लगा सकते हो बिना इसको डिस्प्लेस करे 70, तो एफ की मिनिमम 50 मैक्सिमम 70 तक में ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा बिकॉज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द फ्रिक्शन, बताओ समझ में आ गया, ठीक है, yes. तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि अगर मैं देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है तो जो मैंने रैंडम नंबर ले लिए उनके अकॉर्डिंग 50 न्यूटन टू 70 न्यूटन, अब तुम ये डाटा जो गिवन है वो वैल्यू डाल करके क्या करोगे, एक बार यहाँ पर ये माइनस के साथ मिनिमम कैलकुलेट कर लिया और एक बार यहाँ प्लस करके मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, प्लस वाला तुम डायग्राम अलग से बना लो, प्लस वाले के लिए क्या करोगे, यहाँ पे तुम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस तरफ लगा दो, तो उससे जो कैपिटल एफ मैक्स होगा वो फ्रिक्शन एंड एम जी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो गए, जब एरो पलट दोगे तो अपने आप ही फ्री वे डायग्राम से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने एफ मैक्स जो म्यू एम जी कॉस थीटा लिखा होगा वो और एम जी साइन थीटा वैल्यू पुट कर लेना, सॉल्व करके ऐड कर देना, ठीक है, yes. चलो अच्छा अब नेक्स्ट लेते हैं,
नेक्स्ट क्या तुम्हारा पार्ट है, जरा ओपन करना पड़ेगा मुझे। सिक्स, हाँ सर, नेक्स्ट है मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा अब यहाँ देखो मोशन स्टार्ट हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू फिक्स होती है, इवन डायरेक्शन मोशन का डाउनवर्ड ले रहे हो तो फ्रिक्शन तो अपवर्ड लगेगा। अब तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो अब तो जो फोर्स लगाना है वो एक फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जरा वो अपने 50, 70, 60 वाले डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक डाउन द प्लेन इन, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन मैं वापस ऊपर की तरफ लगा देता हूँ फ्रिक्शन। और क्योंकि काइनेटिक है तो मैं अभी मैक्सिमम जो स्टैटिक लिया था वही ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो म्यू एस म्यू के अलग दिया है क्या, अच्छा दे रखा है। चलो चलो तो तुम यहाँ एफ के लिंक निकाल लेना, मान लेते हैं कि वो 10 नहीं रह गया, अब कम रह जाएगा तो 8 ले लेते हैं, मैं अभी रेंडमली ले लेता हूँ 8, ठीक है। और इस 70 को भी हटा देते हैं, सपोज स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू 10 थी बट काइनेटिक की 8 है, ठीक है। एम जी साइन थीटा तो चेंज होना नहीं, हो तो 60 रहना है। नीचे की तरफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको जाना है, यानी एक्सेलरेशन जीरो रहना है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो एफ की कितनी वैल्यू रखनी है बताओ, ये एफ कितना रखना है, mg sin थीटा माइनस एफ, नंबर बता दो इसके अलावा अकॉर्डिंग 52, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। फिर लास्ट पार्ट में क्या है, मूव द ब्लॉक अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार तो अपवर्ड में एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो क्या करोगे, अपवर्ड मूव कर रहा है तो पहले तो फ्रिक्शन को चेंज करो, फ्रिक्शन मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा, ठीक है। अब जरा इक्वेशन लिख देते हैं, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ कैपिटल एफ लगेगा माइनस म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एन की वैल्यू डाल दी, माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से एफ आ जाएगा। ठीक है,